तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन आ रहा है और सभी के घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता ही है, तो आज मैं लेकर आई हूँ मिठाइयाँ बनाने का टिप्स जो आपके काम को बनाएगा आसान। नंबर वन, पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला दूध की मलाई नहीं निकालना चाहिए, इससे पनीर नर्म बनेगा। नंबर टू, गुलाब जामुन की रंगत बढ़ाने के लिए मावे में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और फिर गुलाब जामुन बनाएं, तो इससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। नंबर थ्री, खोए के गुलाब जामुन बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा पिसी चीनी मिला दीजिए, नर्म गुलाब जामुन बनेगा। नंबर फोर, गुलाब जामुन बनाने के लिए मावे में मैदे की जगह आटा मिला दीजिए, इससे गुलाब जामुन स्वादिष्ट और नरम बनेगा। नंबर फाइव, गुलाब जामुन की चाशनी को ठंडा होने के बाद उस चाशनी में 6 से 7 बूंद केवरा एसेंस मिला दीजिए और फिर चाशनी में गुलाब जामुन डाल दीजिए, गुलाब जामुन का एक अनोखा स्वाद बना रहेगा। नंबर सिक्स, लड्डू में घी डालना हो तो घी को सिर्फ गला दें, ज़्यादा गर्म ना करें। नंबर सेवन, घर पर गुलाब जामुन बनाते और तलते वक्त घी में 2 चम्मच मीठा तेल मिला दीजिए, इससे घी की परत गुलाब जामुन पर नहीं जमेगी। नंबर एट, रवे की लड्डू बनाते वक्त चाशनी और पानी के बजाय दूध में बनाएं, फ़र्क आप खुद देखेंगी। नंबर नाइन, खीर बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच मक्की का आटा डाल देने से खीर गाढ़ी बनेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। नंबर टेन, नारियल की बर्फी बनाना है तो नारियल और दूध को मिक्सर में अच्छे से चला लीजिए और फिर निकाल कर बर्फी बनाएं, अच्छा बनेगा। नंबर इलेवन, कस्टर्ड पुडिंग का स्वाद एवं सुगंध बढ़ाने के लिए कस्टर्ड बनाते वक्त उसमें चीनी कुछ कम मात्रा में डालें और ठंडा होने पर शहद मिलाएं। नंबर ट्वेल्व, बर्फी जमाने के लिए थाली में डालते समय घी की जगह तेल लगाने से बर्फी आसानी से और जल्दी निकल जाती है। नंबर 13, खीर बनाते समय चीनी हमेशा अंतिम में ही डालें, ऐसा करने से चावल अच्छी तरह से पक जाता है। नंबर 14, दूध का खोआ या मावा बनाते वक्त गैस का आंच तेज रखें और दूध हल्का गाढ़ा होने के बाद इसे लगातार चलाते रहें, इससे दूध बर्तन की तली में जलेगा नहीं और खोआ भी सफ़ेद बनेगा। नंबर 15, खीर बनाने के लिए दूध में मिल्क पाउडर या मिल्क मेड मिला दीजिए, इससे दूध को गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा और झटपट खीर बन जाएगी, इससे खीर का स्वाद भी बढ़ जाएगा, तो अगली बार खीर में मिल्क मेड ज़रूर डालें। नंबर 16, सूजी को हलवे के लिए भूनते समय इसमें 1/2 चम्मच बेसन मिला दीजिए, इससे हलवे का टेस्ट दुगना हो जाएगा। नंबर 17, कोई भी मीठी डिश बनाते समय उसमें 1 चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। नंबर 18, मिठाइयों को स्टोर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि इन्हें हमेशा अलग अलग रखें, जैसे कि सूखी मिठाइयों और सीरे वाली मिठाइयों को बिल्कुल अलग रखिए। सीरा जल्दी ख़राब होता है, जिसकी वजह से सूखी मिठाई भी ख़राब होने लगता है। नंबर 19, मिठाइयों को अगर लंबे समय तक खाने लायक रखना है तो उन्हें हमेशा फ्रिज में यानी कि ठंडी स्थान पर ही रखिए। यदि आप कमरे या रसोई में उन्हें रखेंगी तो गर्मी की वजह से उनमें कीड़े पड़ने लगते हैं। नंबर 20, मिठाई को नमी वाली स्थान पर रखने से बचाना चाहिए, वरना मिठाई जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके साथ ही सूखी मिठाइयों में गीले हाथ डालने से बचना चाहिए या इनमें गीली चम्मच भी नहीं डालना चाहिए। एक बार सूखी मिठाइयों में नमी हो गई तो फिर उनका जल्द ख़राब होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।